अपने व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम आपको बताएंगे कैसे हम क्ले पेपर से प्यारा सा फ्लावर बनाएंगे जो हम डेकोरेशन के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्ले पेपर चाहिए, ग्लिटर फॉर्मिंग शीट चाहिए, ग्लू स्टिक चाहिए और सीजर चाहिए। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने येलो कलर का क्ले पेपर लिया है, लेकिन अगर हम लोगों ने फ्लावर डिजाइनिंग का बनाना है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हम लोगों ने फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है हम उसके तरह निशान लगा देंगे। पहले हम इनको फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों साइड की कटिंग बराबर हो। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको खोल लेंगे। क्ले पेपर को मैंने खोल लिया है, अब हम फूल बनाना शुरू करेंगे। हम दरमियान से इसको ऐसे फोल्ड करते रहेंगे। हमारा क्ले पेपर फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये वाली साइड को ग्लू स्टिक की मदद से जोड़ लेंगे और हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब हम ग्लू स्टिक से इसको जोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके नीचे कोई पेपर रखेंगे क्योंकि ये बहुत बारीक है, फट ना जाए इस वजह से नीचे कोई भी हम लोग पेज रखते हैं। हम लोग ग्लू स्टिक लगाएंगे, उसके बाद ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम लोग दरमियान में लगाने के लिए सर्कल कट करेंगे जो कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। मैं रेड कलर कॉम्बिनेशन लूँगी। इसके लिए हम एक सर्कल कट करेंगे, मैंने निशान लगा लिया है, अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये हमारा सर्कल कट हो चुका है, अब हम इसको फ्लावर पर लगाएंगे। हम लोग लगा लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा फ्लावर रेडी हो चुका है जो हम कहीं भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही प्यारे फ्लावर रेडी हो चुके हैं। इस तरह आप डेकोरेशन के लिए साथों से लीफ भी काट के लगा सकते हैं। आप वॉल डेकोरेशन में भी ये यूज कर सकते हैं।